सभी साथियों को जैक्सान। साथियों, आज 4 अगस्त है और दिन है शुक्रवार। जैसा कि रोज अपने इस समय साथियों फसल भाव के ऊपर चर्चा करते हैं, आज भी चर्चा करेंगे साथियों फसल भाव के ऊपर। सरसों के अंदर बड़ी खबर आ रही है साथियों, सॉरी गेहूं के अंदर बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर कि बड़ी मात्रा में भारत जो है बाहर से गेहूं खरीदने जा रहा है। साथियों चर्चा उसके ऊपर करेंगे। चर्चा करेंगे साथियों सरसों और चने के भाव के अंदर एक रुख पॉजिटिव बनता नजर आया है, एक सुधार जो है बनता हुआ नजर आ रहा है साथियों उसके ऊपर। गवार के भाव के अंदर आज कोई सुधार नहीं है, चर्चा उसके ऊपर करेंगे। और कॉटन का रुख भी थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है साथियों। तो सबसे पहली चर्चा सरसों की साथियों, लंबी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सरसों का अब सीजन जो है ऑफ होता जा रहा है धीरे धीरे। 4,50,000 कट्टे की आवक आज हमेशा की तरह सोमवार मंगलवार बुधवार दबाव में, वीरवार स्टेबल, शुक्रवार को आज सुधार और हो सकता है कि कल भी थोड़ा बहुत सुधार आपको सरसों के अंदर देखने को मिले। तो ये बड़े प्लांटों का खेला चल रहा है साथियों और ये ऐसे ही चलेगा क्योंकि आगे चल के तो हरी सीजन आ रहा है और उम्मीद है कि सरसों में यहां से बड़ी गिरावट तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन सरसों के भाव जो है वो स्टेबल या फिर थोड़ा बहुत सुधार, जैसे 200 एक दिन सुधार हुआ, 50-50 करके दो दिन में भाव टूट गए, फिर 200 सुधार हुआ, तो वही चलेगा जैसा कि आपको पता ही है कॉटन में चलता है पिछले साल भी और इस साल भी। तो सरसों के भाव की बात करें, विजयनगर 5236, कैसनपुर 5519, जैसर 5271, अबोर 5485, रायसनगर 5450, संगरिया 5480, बीकानेर 5150, नोहर 5350, नागौर 5200, एलनाबाद 5400, शिवानी 5555, हिसार 5500। बड़े प्लांटों की बात करें साथियों तो सलोनी के भाव जो हैं वो 6375 और शायद अब 6400 भी हो गए बताए जा रहे हैं। जयपुर भी 6000 के ऊपर शायद काम कर रहा है लेकिन 5975 वेरीफाइड जो न्यूज है, कंफर्म भाव है। दिल्ली 5800, दादरी 5750 और अलवर के अंदर 5700 रुपए भाव रहे साथियों आज सरसों के। ग्वार की बात करें, ग्वार सुबह रुख पॉजिटिव खुला लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन आगे बढ़ा तो ग्वार के भाव जो है डाउन जाते गए, ग्वार गम भी डाउन गया साथियों। ओवरऑल ग्वार सीड लगभग 14 रुपए की मंदी के साथ और ग्वार गम भी जो है मंदी में साथियों आज बंद हुआ है। तो ग्वार में सुधार बढ़ने में अब समय लग सकता है, इस बात में कोई भी जो है दुराई नहीं क्योंकि गिरावट बड़ी आ गई थी पिछले दो दिनों में। रायसनगर 5452 रुपए, विजयनगर 5450, कैसनपुर 5420, जैसर 5480, सिरसा 5220, आदमपुर 5420, नोहर 5555, बादरा के अंदर 5530 और शिवानी के अंदर 5625 रुपए साथियों आज भाव रहे ग्वार की। बात करें कॉटन की, कॉटन पुराने कॉटन के नए दिन आ गए हैं, अच्छे दिन आ गए ऐसा लग रहा है। लगभग 3 दिनों में 300 रुपए कॉटन तेज हुआ है जो कि एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि आगे हमारे सर के ऊपर नए कॉटन का साथियों सीजन घड़ा है तो बहुत अच्छी बात है। कॉटन के अंदर अगर तेजी यहां बनेगी तो हमारा जो आने वाला कॉटन का सीजन है वहां भी हमें जो है रिलीफ मिलेगा, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है और बहुत अच्छी बात है कि कॉटन के भावों के अंदर जो है सुधार साथियों बन रहा है और उम्मीद है कि ये सुधार और आगे चले। हालांकि बड़ी तेजी की कोई बहुत बड़ी गुंजाइश तो नहीं है लेकिन किसान होने के नाते तो सोचिए कि जो कॉटन के भाव हैं उनके अंदर और थोड़ी तेजी साथियों आए। बात करें भाव की तो गंगानगर 7220 रुपए, गुजरात की कुछ मंडियां उनके अंदर 20 रुपए प्रति गांठ तक की तेजी साथियों आई है तो वो एक बहुत अच्छी खबर बता रहे हैं। एलनाबाद 7150, सिरसा 7150, आदमपुर 7250 और अनूपगढ़ के अंदर 7400 रुपए साथियों आज जो है कॉटन बिका है। बात करें साथियों गेहूं के अंदर जो बड़ी खबर है उससे पहले बात करेंगे चने की। चने के भावों के अंदर साथियों आपको इस रविवार को पहले बता दिया था कि इस सप्ताह चने के जो भाव हैं उनके अंदर थोड़ा बहुत हलचल हो सकती है। आप में से बहुत सारे भाई ऐसे हैं YouTube के जो सारे का सारा वीडियो देखते हैं और रोज वीडियो देखते हैं, उन भाइयों से मैं आज जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप में से किस किसने ये खबर उस दिन सुनी थी रविवार को कि चने के भावों के अंदर एक जो है हलचल हो सकती। मैंने एक दो बार पहले भी बोला था कि चने के एक बार अच्छे दिन आएंगे और शायद अब वो चने के अच्छे दिन आते हुए नजर आ रहे हैं साथियों। किसानों के आए नहीं आए लेकिन चने के लग रहा कि अच्छे दिन एक बार आएंगे। रायसनगर 5162 रुपए, गैसनपुर 5200 रुपए, शिवानी के अंदर 5350 रुपए, नोअर 5200, एमपी लाइन और राजस्थान लाइन का चना जो है 5500 रुपए और दिल्ली लाइन का चना जो है 5600 रुपए करीब साथियों आज बिकता हुआ नजर आ रहा है। तो चने के अंदर एक अच्छा सुधार बनता हुआ आ रहा है। बात करें साथियों गेहूं की, हॉट टॉपिक, बड़ा मुद्दा मीडिया में बड़ा मुद्दा छाया हुआ है, आज भी 6-6 अखबारों के अंदर जो है कटिंग देखने को मिली कि बड़ी मात्रा में भारत
6 लाख टन जो गेहूं है वो रशिया से खरीद के ला रहा है। बहुत बड़ी खबर है ये, अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। एक साइड हम कह रहे हैं कि हम भारत के किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, दूसरी साइड हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं सरसों का तेल, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं पाम ऑयल, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं साथियों जितने भी और एडिबल ऑयल्स हैं वो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, जौ हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, अब गेहूं भी। तो फिर किसान के अच्छे दिन कहां से आएंगे, हमारे किसान कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? अगर आज 10 लाख टन जो कि खबर हालांकि नॉट वेरीफाइड बाय द गवर्नमेंट, सुनने में यह है कि अभी तक गवर्नमेंट ने वेरीफाइड नहीं की है, लेकिन अगर 6-6 न्यूज चैनल 6-6 अखबारें ये लिख रही हैं कि बाहर से गेहूं आ रहा है तो फिर मामला तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, खिचड़ी तो कहीं ना कहीं पक रही है। अब किसानों को उस खिचड़ी की खुशबू कब आएगी वो बाद की बात है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सच में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे देश के अंदर कैपेसिटी है, हमारा जो देश का किसान है उसकी इतनी हिम्मत है, उसके अंदर इतनी ताकत है कि सरकार एक बार उंगली करके बोल दे कि हमें गेहूं चाहिए, हमें सरसों चाहिए, भंडार भर देंगे, लेकिन सरकार बाहर से टैक्स फ्री चीजें ना खरीदे। अगर खरीदेंगे तो फिर आप किसान की जो आय है उसको दुगना कभी नहीं कर सकते। हालांकि आज गेहूं के भाव के अंदर कोई डरा किंतु परंतु नहीं रहा, पॉजिटिव था रुख, लेकिन अगर ये खबर वेरीफाइड होती है तो फिर साथियों दिक्कत जो है हो सकती है। साथियों आप सब लोग रोज वीडियो देखते हो, यूट्यूब के सभी साथी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन है साथियों, सारे साथी वीडियो को शेयर कर दिया करो अगर अच्छी लगे तो। मैंने कभी नहीं बोला कि बेल आइकॉन का बटन दबाओ या कभी है ना सब्सक्राइब करो, आपको अच्छा लगे तो करो, नहीं अच्छा लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर अच्छा लगे तो एक एक शेयर कर दिया करो। मेरा मोटिव ये रहता है कि और किसान भाइयों तक अपनी आवाज पहुंच जाए, व्यू आए नहीं आए वो इश्यू नहीं है, लेकिन अपनी बात जो है, क्योंकि अपना काम सिर्फ भाव बताने का नहीं है, मंडी का गैप कितना है, मंडियों में समस्या क्या है, कॉटन में कोई नया रोग है उसकी वीडियो अपने डालते हैं, कॉटन के अंदर क्या सुधार कर सकते हैं अपने टेक्निक के बारे में, तो सारी चीजें होती है साथियों। तो आपसे निवेदन है भाई एक शेयर कर दिया करो, मिलेंगे साथियों कल, तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।